आज हम हिस्ट्री के 50 प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी 7th फेज टीचर वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं हम, ये आज दूसरा वीडियो है और ये पेड कोर्स का पीडीएफ है। अगर आप लोग इस पेड कोर्स को लेना चाहें तो आस ऑफिशियल पर एसके झा सर का कोर्स है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ये ए ओ ह्यूम के द्वारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे प्रथम अधिवेशन में? तो ये 72 थे, आंसर याद रखेगा सी हो जाएगा 72। और प्रथम अधिवेशन मुस्लिम कितने थे? तो मुस्लिम दो थे। तो मुस्लिम कितने थे? दो थे। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये दोनों याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा सी। नहीं पूछा है तो आंसर सी हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं था, बाकी सारा उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? मतलब ये कथन किसका है? ये कथन किसका था? ये कथन था लॉर्ड डफरिन का। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे दादा भाई नेहरू जी ने, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? द्वितीय मुस्लिम कितने थे? 33, और प्रथम में थे दो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष थे ये रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, और प्रथम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये कथन सत्य है या कथन दो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, दोनों में कौन कथन सही है? तो देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष ये सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी, तो ये कथन गलत हो गया, जबकि ये सही है, तो आंसर हमारा केवल दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे? कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे, तो ये सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो ये कभी नहीं चुना गया, 13 के आंसर यहाँ देख लीजिए, तो ये बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसमें कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये सिर्फ लाला लाजपत राय एक बार चुने गए थे। 16 नंबर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 नंबर देखे थे, पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कथन दो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। या तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। देखिए, ये कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जबकि ये और ये सही है। तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा दो और तीन, तो सी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये वक्तव्य किससे है? तो बाल गंगाधर तिलक, आंसर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन किसका था? ये कथन था किसका? लाला लाजपत राय का। किसका था? लाला लाजपत, आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव किसने दिए थे? तो ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब गया में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिलान करना है, क्वेश्चन 24 का मिलान करना है। तो देखिए, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू ये कानपुर में के अधिवेशन की थी, एक सी हो जाएगा, बी का 3। उसके बाद हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, अच्छा बी का 3 हो जाएगा, तो बी का तीन देखिए 2 है। उसके बाद देखिए ए का हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, ये रामगढ़ की अध्यक्षता के अधिवेशन की थी 1940 में, तो एक का चार बी का 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोके स्थिर से याद कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा ये। क्वेश्चन 24 के बाद आइए 25 नंबर में, 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति? सबसे कम आयु में कौन थे? ये अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मिलान करना है, सरोजिनी नायडू, ये तो हो गया कानपुर, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस ये हो गया हरिपुरा का, यानी कि सी का दो देखिए तो एक ही में है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विभाजन के समय कौन था अध्यक्ष? तो ये हो गया जेबी कृपलानी, आंसर ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अंतिम अधिवेशन कौन था? ये अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार से भाग लिया था, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, आंदोलन कैसे करते थे? ये करते थे राज वाम वंद के आंदोलन, मतलब ये क्षमा याचना प्रार्थना विनती, इस तरह से आंदोलन करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ, ठीक है, क्योंकि गर्म दल वाले चाहते थे स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैले, जबकि नरम दल वाले चाहते थे ये सीमित रहे, जिसके कारण दोनों में फूट हो गया और नरम दल गर्म दल में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकतर नरमपंथी मतलब नरम दल के अधिकतर कैसे थे? ये शहरी क्षेत्र से थे, कैसे थे? आंसर बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो कांग्रेस पे ये हो जाएगा 32 का हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी
मतलब गरम दल के नहीं थे या गरम दल के नेता नहीं थे। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये गांधी जी के गुरु थे। तो ये 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। क्वेश्चन 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था की संज्ञा दी थी या कहा था। तो 35 का हो जाएगा ए, बीसी पाल या बिपिन चंद्र पाल कह सकते हैं, ये भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया 1906 के बाद प्रभावधीन आया, मतलब प्रभाव में आया 1906 के बाद, जब इन्होंने नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। क्वेश्चन 37 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है, गरम दल से संबंधित था। 37 का हो जाएगा, कौन से हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब नरमपंथी थे जबकि अरविंद घोष गरम दल के थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, ये कथन किसने कहा था, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, मतलब नरम दल के नहीं थे, तो ये तो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, शेर-ए-पंजाब के नाम से मशहूर था, तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक, आंसर सी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा, तो लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हो गया, कैसे हुए प्रसिद्ध, हुए वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे, तो ये तो नहीं, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, हाँ अखबार तो शुरू किया था, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, यहाँ शुरू किया था, तो बी और सी दोनों सही है, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की सजा दी गई, और कहाँ भेज दिया, मांडली जेल में इसको कैद कर दिया गया। अब मांडली जेल कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था, क्या कारण था इसका, तो उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था ये कारण था, या उग्रवादी नेता का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, सी मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति। तो इसी आंसर हो जाएगा डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति कारण ये भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय महोत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गणपति उत्सव को उसने चालू किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में बिहार की किस महिला ने, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, देख लीजिए 5 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस महिला ने माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी झा, सहरसा की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन किसे बनाया है, तो ये हो जाएगा मोनिका दास। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया, 2 दिवसीय तो ये भोजपुर में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने जिलों में बालिका संरक्षण गृह, तो बिहार में कुल 38 जिला है और प्रत्येक जिला में एक एक, तो 38 जिला में ये
बालिका संरक्षण गृह खोला जाएगा। क्वेश्चन 50 है, G20 सम्मेलन के अंतर्गत बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो ये सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को चुना गया। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ये पूरा सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जितना भी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो अपलोड कर देंगे वीडियो के माध्यम से, PDF भी अवेलेबल करवा देंगे, और पॉलिटी का भी क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।